Now, after discussing basic applications of the C program, next one, number system conversion programs. How to converting one type to another type of number systems. As you know, there are four types of number systems are available: binary, octal, decimal and hexadecimal number system. First of one, we want to discussing how to converting any decimal number into equivalent binary number, means decimal to binary conversions. इस नंबर सिस्टम कन्वर्जेंस प्रोग्राम्स क्रिएट करने से जस्ट पहले आपको प्रैक्टिस करना चाहिए अबाउट बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम्स, हाउ टू कन्वर्टिंग वन टाइप टू अनदर टाइप्स, देन ओनली आपके लिए प्रोग्राम क्रिएट करना पॉसिबल होगा. फर्स्ट वन में बेसिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं. फॉर एग्जांपल, सपोज दैट वी आर हैविंग सम नंबर एज 10. इस नंबर डेसिमल नंबर 10 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है, मींस 10 इज अ इन द फॉर्म ऑफ बेस 10, वी वांट टू कन्वर्टिंग इनटू base 2 conversions like that. Base 2 के केस में इसको डिवाइड किससे कराएंगे, 2 से. फर्स्ट टाइम डिवीजन क्या आएगा इसका, 5, रिमाइंडर इज 0. नेक्स्ट टाइम डिवीजन क्या आएगा, 2, रिमाइंडर इज 1. नेक्स्ट टाइम डिवीजन इज 1, रिमाइंडर इज 0, सॉरी. नेक्स्ट वन, फाइनली जो भी नंबर आए, नंबर मींस रिमाइंडर क्या है इस केस में, 1. अगर आप 1 को अगेन फिर से 2 से डिवाइड करो तो नेक्स्ट टाइम डिवीजन क्या आएगा, 0, लेकिन रिमाइंडर क्या आएगा इस केस में, 1. फाइनली इस केस में अप टू बॉटम टू अप डायरेक्शन में अगर नोट डाउन करेंगे, नंबर क्या है इस केस में, 1010. दिस इज द इक्विवेलेंट बाइनरी. सेम एज अगर 11 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है अदर नंबर्स वन मोर टाइम्स, फर्स्ट टाइम डिवीजन क्या आएगा, 5, रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर इज 1. नेक्स्ट टाइम 2, 1. नेक्स्ट टाइम अगेन 2 से डिवाइड करें, 1, रिमाइंडर इज 0. अगेन 2 से डिवाइड करने में डिवीजन क्या आएगा, 0, बट रिमाइंडर इज 1 इन केस ऑफ इंटीजर डिविजन्स. इस केस में अगेन क्या आ रहा है, 1011. लाइक दिस इज द वेस 2. इस केस में मेन प्रॉब्लम क्या है, नंबर नोट डाउन करने के बाद मीन्स फर्स्ट टाइम जनरेट क्या हुआ, 0, लेकिन इसको जस्ट रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले कर. दिस इज द प्रॉब्लम फॉर क्रिएटिंग सी प्रोग्राम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन. तो इससे रिलेटेड मैं कुछ लॉजिक डिस्कस करूंगा, देन ओनली आफ्टर दैट राइट डाउन करेंगे सी प्रोग्राम. इस सी प्रोग्राम का लॉजिक राइट डाउन करना काफी चाहिए, मीन्स आपको प्रॉपरली सबसे पहले क्लियर होना चाहिए इस लॉजिक को इंप्लीमेंट करने का एग्जैक्टली पर्पज और वर्किंग क्या है. इन दैट केस सपोज दैट इससे प्रॉब्लम को सॉल्व करने जस्ट पहले बेसिक डिस्कस करना चाहते हैं, जिससे आपके लिए प्रोग्राम इजीली समझना पॉसिबल. सपोज दैट वी आर हैविंग सम नंबर, वैल्यू ऑफ नंबर इज समथिंग 15, दिस इज द एग्जिस्टिंग वैल्यू 15. मीन्स अभी तक मैंने आपको जितने भी ऑपरेशंस बताए थे सभी ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में ओनली ऑपरेशन लास्ट डिजिट के लिए अप्लाई करना पॉसिबल था, लास्ट डिजिट को रीड करना पॉसिबल था, लास्ट डिजिट को रिमूव करना पॉसिबल था, लास्ट डिजिट को इंसर्ट कराना पॉसिबल. बट सपोज दैट यू वांट टू इंसर्टिंग न्यू डिजिट डी बिगिनिंग ऑफ द गिवन नंबर्स, जो भी नंबर है इस नंबर के अंदर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, देर आर डी इज ए टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स और डिजिट काउंट, करंटली डिजिट काउंट कितने, 2. इन दैट केस वी वांट टू इंसर्ट इन न्यू डिजिट एज 2, मीन्स इस प्लेस पर इंसर्ट क्या करना चाहते हैं, जस्ट 2. तो इस केस में लॉजिक क्या फॉलो करेंगे, फर्स्ट ऑफ वन मीन्स इस केस में इंसर्ट क्या कराना है, समथिंग 2 और मे बी 7, लाइक दैट वी वांट टू इंसर्टिंग 7. इसके जस्ट वन नंबर क्या बन जाए, 715 आफ्टर ऑपरेशंस. 7 के रिस्पेक्ट में 7 क्या है, इंसर्टेड डिजिट, जो भी इंसर्टेड डिजिट है उस केस में उस डिजिट के साथ मल्टीप्लीकेशन किससे कराएं, 10 to the power नंबर ऑफ अवेलेबल टोटल डिजिट्स, टोटल डिजिट्स कितने हैं, 2, 1 एंड 5 इज अ 2 डिजिट्स, 10 to the power 2 प्लस एग्जिस्टिंग नंबर, दिस इज द लॉजिक्स. इस लॉजिक्स के थ्रू इस हियर 2 इज अ नंबर ऑफ डिजिट काउंट, नंबर ऑफ डिजिट काउंट, मीन्स इस फॉर्मूला के बेसिस पर एवरी टाइम लेफ्ट हैंड साइड में न्यू डिजिट इंसर्ट कराना पॉसिबल. बस इस केस में मैनेज क्या करना आपको, डिजिट काउंट मीन नंबर के अंदर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, डिजिट्स इजीली काउंट करना पॉसिबल हुआ, लाइक दैट फर्स्ट वन सपोज दैट d इज अ 7, देयर फोर 7 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power c, मीन्स 15 में टोटल डिजिट्स कितने हैं, 2 प्लस नंबर इज 15. आफ्टर दैट 7 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power 2 इज 100 प्लस 15. 7 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या हो रहा है इसमें, 700 प्लस 15 बिकम्स 715, दिस इज द रिजल्ट.
इस लॉजिक्स के थ्रू कोई भी डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कराना पॉसिबल हुआ। इस मोस्ट इंपोर्टेंट लॉजिक रिगार्डिंग डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जेंस, जस्ट मैं इस लॉजिक को मैं डायरेक्टली भी राइट डाउन करा सकता था, लेकिन आपको हो सकता है प्रोग्राम ईजिली समझना पॉसिबल ना हो, इसलिए इस प्रैक्टिस को कंप्लीट करने के कुछ बेसिक ऑपरेशन शो कर रहा हूँ, जस्ट वन। फॉर एग्जाम्पल्स, सपोज दैट वी आर हैविंग सम नंबर एट जीरो, इनिशियली नंबर क्या है, जस्ट नथिंग और जीरो। नंबर्स के केस में अगर डायरेक्टली मुझे इंसर्ट क्या कराना है, एज्यूम दैट नंबर इज जीरो, जीरो केस में मुझे न्यू डिजिट डायरेक्टली इंसर्ट कराना है, जा फाइव, डायरेक्टली सिंपली मल्टीपल राइट डाउन क्या करें, नंबर मल्टीप्लाई बाई फाइव असाइन टू द नंबर, और नंबर इक्वल टू नंबर प्लस वन मल्टीप्लाई बाई न्यू डिजिट फाइव, या न्यू डिजिट मुझे इंसर्ट कराना है नॉट अ फाइव सिंपली वन, क्या है इसके इसमें नंबर ऑलरेडी क्या है जीरो, जीरो प्लस वन इज वन, न्यू वैल्यू क्या इंसर्ट होगा इसके इसमें सिंपली वन। जस्ट वन से जस्ट पहले मुझे टू इंसर्ट कराना है, मीन टू इंसर्ट कराने के बाद फाइनली नंबर क्या बन जाएगा 21। तो इसके इसमें परफॉर्म क्या करा सकते हैं, अगेन नंबर इक्वल्स टू नंबर, मीन्स नंबर का एग्जिस्टिंग वैल्यू के केसेस में मीन जस्ट आपको प्रीवियस में इंसर्ट कराना है, इसलिए यूज क्या करें इस केस में 10, प्रीवियस केस में मल्टीप्लाई किससे कराया था 1 से, बट इन दैट केस प्रीवियस केस में 1 क्या था डिजिट, इस केस में डिजिट क्या है 2, मल्टीप्लाई बाई 10, मीन सेकेंड फर्स्ट प्लेस पर इंसर्ट कराना है, मल्टीप्लाई किससे कराओगे 1 से, सेकेंड प्लेस पर इंसर्ट कराना है 2 से, थर्ड प्लेस पर इंसर्ट कराना देन 100, फोर्थ प्लेस पर इंसर्ट कराना देन 1000, लाइक दैट प्लस नंबर, ऑलरेडी नंबर का वैल्यू क्या है 1, इंसर्ट क्या कराना है इस केस में 2 इन सेकेंड प्लेस, इसलिए मल्टीप्लाई किससे किया 100 से, रिजल्ट क्या आएगा 20 प्लस 1 इज 21 असाइन टू द वेरिएबल नंबर, नंबर का नेक्स्ट वैल्यू क्या जाएगा 21। सिमिलरली सपोज दैट मुझे न्यू डिजिट इंसर्ट कराना है 3, देन अगेन मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, ऑलरेडी नंबर में मल्टी डिजिट्स कितने हैं 2 डिजिट्स, यूज करें 10 टू द पावर 2 इज इक्वलेंट टू 100 प्लस, इस केस में एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ नंबर क्या है 21 इक्वल्स टू नंबर, इस केस में रिजल्ट क्या आएगा 300 प्लस 21 इज 321 असाइन टू द वेरिएबल नंबर अगेन। इस टाइप से कोई भी डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में एवरी टाइम इंसर्ट कराना पॉसिबल बाय यूजिंग दैट केस। वन मोर टाइम्स, वी वांट टू इंसर्टिंग न्यू डिजिट एज 4, डिजिट एज 4, एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ नंबर इज 321 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर नंबर ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स कितने 3, इसलिए यूज कर रहे हैं 10 टू द पावर 3 विच इज इक्वलेंट टू 1000 मीन्स क्या आएगा इसके इसमें 321 प्लस 4000 में ऐड क्या हो रहा है इसके इसमें 321 विच इज इक्वलेंट टू 4321 अगेन आसान किस में जाएगा नंबर में। इस टाइप से एवरी टाइम बार बार न्यू डिजिट इंसर्ट कराना पॉसिबल है। देन इस लॉजिक के बेसिस पर यहाँ पर किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना पॉसिबल हुआ। अगेन यू वांट टू डिस्कसिंग लॉजिक ऑफ द डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। सपोज दैट जिस नंबर को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ एनी डेसिमल नंबर एज डी यर एंटरिंग एज 13। सपोज दैट नंबर एंट्री है 13, सी प्रोग्राम्स के थ्रू इस 13 को कन्वर्ट किसमें कराना है इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर्स। इस केस में लॉजिक्स क्या होंगे, व्हाट इज द लॉजिक्स फॉर कन्वर्टिंग दैट डेसिमल नंबर इनटू इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर्स। तो जिस बाइनरी नंबर में असाइन कराएंगे, इस बाइनरी नंबर के लिए वैल्यू यूज करवाया जाए बी, बी स्टैंड्स फॉर बाइनरी नंबर्स, फर्स्ट टाइम बी का इनिशियल वैल्यू क्या है जीरो। प्रीवियस केस में अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, फर्स्ट टाइम मल्टीप्लिकेशन किससे हुआ था 1 से, सेकंड टाइम 10 से, थर्ड टाइम 100 से, फोर्थ टाइम 1000 से, नेक्स्ट टाइम 10,000 एंड लाइक दैट एंड सो ऑन। फाइनली इंप्लीमेंट क्या हो रहा है 10 टू द पावर नंबर ऑफ डिजिट्स, फर्स्ट टाइम इनिशियली कोई भी डिजिट नहीं इसलिए यूज करें 10 टू द पावर 0 विच इज इक्वलेंट टू 1, नेक्स्ट टाइम 10 टू द पावर इक्वलेंट टू 10 लाइक दैट। इन दैट केसेस टाइप के डिजिट्स को या प्लेसेस को मैनेज करने के लिए इसको मैं एज्यूम कराया जाए प्लेस वैल्यू, प्लेसेस को मैनेज करने के लिए यूज कराया जाए वेरिएबल एज पी विद इनिशियल वैल्यू, मीन से रिप्रेजेंट क्या करेगा प्लेस ऑफ द
inserted results or new digits. Means new digit किस place पर insert होना, first digit always का insert कराएंगे first place पर, इसलिए p का initial value use करो इस case में है 1. Next time p में every time increment कितने से होगा इस केस में, फर्स्ट टाइम मींस फर्स्ट टाइम पी का वैल्यू क्या है 1, नेक्स्ट टाइम क्या है मल्टीप्लाई बाय 10, अगेन मल्टीप्लाई बाय 10, एवरी टाइम पी में इंक्रीमेंट कितने से होगा, नॉट अ इंक्रीमेंट मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई बाय 10, फर्स्ट टाइम 1 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो जाएगा 10, नेक्स्ट टाइम 10 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो जाएगा 100, लाइक दैट. नेक्स्ट वन 13 को कन्वर्ट किस में कराना, बाइनरी नंबर में, इसके लिए लॉजिक इंप्लीमेंट कराना, लॉजिक इसे ऑपरेशंस कब तक परफॉर्म कराना, फर्स्ट वन जो भी नंबर डी है डी को डिवाइड किससे कराएंगे, डी इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाय 2, डी डिवाइडेड बाय 2 सबसे पहले इस केस में, मींस जब भी डिवीजन कराएं इस केस में 2 रिजल्ट्स आएंगे क्यूसेंट और रिमाइंडर, मींस डिवीजन और रिमाइंडर, तो रिमाइंडर्स के केस में रिमाइंडर को सेपरेटली होल्ड कराऊंगा एक्स्ट्रा वेरिएबल एज आर, वन मोर वेरिएबल एज आर फॉर होल्डिंग रिमाइंडर वैल्यू, आर इक्वल्स टू 10 मॉड्यूलो बाय 2, सॉरी डी मॉड्यूलो बाय 2, एवरी टाइम डिवीजन किससे हुआ रिक्वायर्ड बेस क्या 2 से, इसलिए डिवीजन कितने से कराए 2 से, अगर रिक्वायर्ड बेस ऑक्टल है देन डिवीजन किससे कराओगे 8 से. देन इस केस में फर्स्ट टाइम 13, 13 के केस में करंटली रिमाइंडर क्या है इसका, रिमाइंडर क्या आएगा इस केस में 1, 1 आसान किस में वेरिएबल आर में, इसके जस्ट बाद डिवीजन भी परफॉर्म कराएंगे, मींस रिमाइंडर कैलकुलेट करने के बाद आपको दो 2 रिजल्ट्स रिक्वायर्ड, रिमाइंडर वैल्यू और डिवीजन वैल्यू, तो डिवीजन वैल्यू अगेन रिक्वायर्ड यूज क्या करें, डी इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाय 10, डी इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाय 10, इसलिए डी में नेक्स्ट वैल्यू क्या आसान हो जाएगा 6, 13 को 2 से डिवाइड करने पर इंटीजर डिवीजन क्या आएगा इसका 6. नेक्स्ट वन ऑपरेशंस परफॉर्म करने के जस्ट बाद जो भी रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर फर्स्ट टाइम का इंसर्ट कराना फर्स्ट प्लेस पर, इसलिए प्लेस का वैल्यू ऑलरेडी मैंने कह लिया डिफॉल्ट वैल्यू है 1, प्लस फर्स्ट प्लेस पर आसान डिजिट्स को आसान करने के बाद आसान किसमें कराना बाइनरी में, इसलिए यूज क्या करेंगे बाइनरी इक्वल्स टू एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ बाइनरी नंबर, मीन्स बाइनरी का एग्जिस्टिंग इनिशियल वैल्यू क्या यूज किया मैंने समथिंग 0 को, इनिशियली कोई वैल्यू आसान हुआ, प्लस इस केस में आसान क्या कराएंगे न्यू रिमाइंडर इन फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट टाइम रिमाइंडर किस प्लेस पर आसान होगा फर्स्ट प्लेस पर, मीन्स इस केस में रिमाइंडर क्या है इंसर्टेड डिजिट, मीन्स इस केस में इंसर्ट क्या कराना है डिजिट 10 टू द पावर विच प्लेस 0, इसलिए यूज क्या करेंगे रिमाइंडर इज, मीन्स इस केस में रिमाइंडर को स्पेशल वैल्यू नहीं, रिमाइंडर मीन्स इंसर्टेड डिजिट्स, क्योंकि एवरी टाइम इंसर्ट क्या कराना है रिमाइंडर मल्टीप्लाई बाई प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या फर्स्ट टाइम 1, अगर इसको सॉल्व करेंगे बाइनरी वैल्यू क्या 0 प्लस रिमाइंडर वैल्यू क्या इस केस में 1 मल्टीप्लाई बाई प्लेस वैल्यू इज ऑल्सो 1, इन सिंपली फर्स्ट टाइम रिमाइंडर क्या आया 1, 1 किस प्लेस पर इंसर्ट कराना फर्स्ट प्लेस पर, प्लस प्रीवियस तो कोई रिजल्ट ही नहीं, प्रीवियस रिजल्ट ऑलवेज किसके थ्रू मैंने जो बी के थ्रू, बी का इनिशियल वैल्यू 0 इसलिए प्रीवियस रिजल्ट कंसिडर क्या करेंगे जब बी, तो डायरेक्टली मैं राइट डाउन कर रहा हूँ लाइक बी प्लस रिमाइंडर मल्टीप्लाई बाई किस प्लेस पर इंसर्ट कराना है फर्स्ट प्लेस पर, नेक्स्ट टाइम का इंसर्ट कराएंगे 10th प्लेस पर, रिमाइंडर का वैल्यू क्या करंटली एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ बाइनरी 0, रिमाइंडर वैल्यू इज ऑल्सो 1, मीन्स 1 इज अ इंसर्टेड डिजिट, इसको कंसिडर करोगे एज अ इंसर्टेड डिजिट प्लस मल्टीप्लाई बाई 1, रिजल्ट क्या आएगा इसका 1, आसान किस में कराएंगे बी में, तो बी का न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा 1, इज द फर्स्ट केस, प्लस रिमाइंडर में क्या आसान था दैट वन, डिजिट वैल्यू क्या है 10, नेक्स्ट वन, अब नेक्स्ट टाइम आपको रिमाइंडर जब नेक्स्ट डिजिट सेकंड प्लेस पर इंसर्ट कराओगे तो उस केस में प्लेस वैल्यू क्या रिक्वायर्ड होगा 1 और 10, नेक्स्ट टाइम 10, इसलिए एवरी टाइम प्लेस वैल्यू में मल्टीप्लीकेशन किससे कराएंगे, जस्ट मैंने अभी राइट डाउन किया था प्लेस वैल्यू में चेंजेस कितने से होंगे मल्टीप्लाई बाई 10, पी इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाई 10, P का करंट वैल्यू क्या 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होगा 10 असाइन टू द P. नेक्स्ट वन अगेन फिर से सेम लॉजिक से एग्जीक्यूट कराना, फिर से कंट्रोल कांस्टेंट कराना सेम प्लेस, अगेन रिमाइंडर इक्वल्स टू D मॉड्यूलो 2, नेक्स्ट टाइम D को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा D क्या 6, 6 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा 6 मॉड्यूलो बाय 2, मीन से मल्टी मीन से 2 क्या फैक्टर ऑफ 6, इसलिए रिमाइंडर क्या आएगा 0, इसलिए रिमाइंडर वैल्यू क्या आएगा इस केस में 0, क्लियर.
नेक्स्ट टाइम, लेकिन इसके साथ साथ आपको डिवीजन भी होल्ड करना, नेक्स्ट टाइम परफॉर्म क्या करा है डिवीजन। अगेन ऑपरेशन सेम है, लेकिन इस बार रिटर्न क्या कराना है डिवीजन। 6 से 2 से कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 3 टाइम्स, देयरफॉर डिजिट वैल्यू इज 3, सॉरी डेसिमल नंबर बिकम्स 3। नेक्स्ट ऑपरेशन, अब इस केस में रिमाइंडर वैल्यू क्या है, 0, इसलिए नेक्स्ट टाइम सेकेंड प्लेस पर इंसर्ट भी क्या कराना है 0। विच प्लेस, सेकेंड प्लेस, सेकेंड प्लेस मीन्स इस केस में प्लेस राइट करो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस एंड सो ऑन। ऑलरेडी फर्स्ट प्लेस पर इंसर्ट किया चुका है 1, नेक्स्ट प्लेस पर क्या इंसर्ट कराना 0, चेक इट। इन दैट केस अगेन परफॉर्म क्या हुआ इस केस में, बी, बी का वैल्यू क्या करेंटली एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ बाइनरी नंबर इज 1, बी प्लस रिमाइंडर वैल्यू इज करेंटली रिमाइंडर जनरेट हुआ 0 मल्टीप्लाई बाई प्लेस वैल्यू, मीन्स किस प्लेस पर इंसर्ट करना, सेकंड प्लेस पर, इसलिए प्लेस वैल्यू किससे मैनेज हो रहा है, पी से, पी का वैल्यू क्या है 10, 10 को 0 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 0 प्लस 1 इज 1, रिजल्ट क्या अगेन 1, 1 किस में साइन हो रहा बाइनरी नंबर बी, अगेन बी बिकम्स 1। तो इस केस में आपको कैसे पता चलेगा बिगिनिंग में 0 है कि नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ पी। नेक्स्ट टाइम नंबर जनरेट हुआ आप श्योर होगा इस केस में इसे फाइनली किस टाइप से मैनेज हो रहा है, नेक्स्ट टाइम अगेन पी का वैल्यू क्या हो जाएगा पी मल्टीप्लाई बाई 10, पी में फिर से 10 से मल्टीप्लाई होने पर पी का वैल्यू क्या हो जाएगा 100। मीन्स इस केस में नेक्स्ट टाइम जब प्रीवियस वैल्यू 1 ऐड कराएंगे ऑटोमेटिकली कैसे होगा आपको 101। नेक्स्ट थिंग्स मीन्स फाइनली इस केस में बाइनरी नंबर में आपको 01 शो नहीं हो रहा, जब फाइनली नंबर जनरेट होगा तो आपको नंबर इस फॉर्मेट में शो होगा, मीन्स करेंटली लॉजिकली इंसर्ट किया हो चुका है 0 एंड 1, मीन्स 1 से पहले आपको 0 फिजिकली अगर राइट डाउन में हो तब भी उसका मीनिंग क्या है सेम एज 1। नेक्स्ट वन अगेन रिमाइंडर इक्वल्स टू डिवीजन बाई डी, डेसिमल नंबर डिवाइड बाई 2, 3 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा 1, इसलिए आसानी किस में जाएगा आर में। डिवीजन क्या आएगा इसका 3 को 2 से डिवाइड करने पर इंटीजर डिवीजन क्या है इसका 1, इसलिए डी वैल्यू क्या है 1। नेक्स्ट वन बी इक्वल्स टू बी प्लस रिमाइंडर मल्टीप्लाई बाई पी, नेक्स्ट ऑपरेशन मीन्स इस केस में रिमाइंडर क्या है 1, तो इसका एग्जिस्टिंग मीनिंग क्या होना चाहिए लाइक दैट 101, चेक करवाएंगे इस केस में बाइनरी नंबर आपको 101 रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन दैट केस बी का वैल्यू क्या था करेंटली 1 मल्टी 1 प्लस रिमाइंडर वैल्यू क्या करेंटली 1, मीन्स 1 किस प्लेस पर इंसर्ट कराना है थर्ड प्लेस पर, थर्ड प्लेस पर इंसर्ट कराने के लिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से, इसलिए P का ऑलरेडी वैल्यू क्या है 100, इसलिए एवरी टाइम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा 100 प्लस 1 इक्वल टू 101, ये 101 आसानी किस में जाएगा बी में, तो बी का फाइनल वैल्यू क्या हो चुका है ऑपरेशन के बाद 101। एवरी टाइम न्यू डिजिट मीन्स फर्स्ट डिजिट का इंसर्ट हुआ फर्स्ट प्लेस पर, सेकंड डिजिट सेकंड प्लेस पर, थर्ड रिमाइंडर का इंसर्ट हुआ है थर्ड प्लेस पर, नेक्स्ट टाइम जो भी रिमाइंडर आएगा रिमाइंडर का इंसर्ट कराएंगे फोर्थ प्लेस पर, चेक इट हाउ। नेक्स्ट टाइम बाइनरी नंबर कैलकुलेट करने के जस्ट बाद अब परफॉर्म क्या कराना है इस केस में, अगेन पी इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाई 10, पी मल्टीप्लाई बाई 10 की यूज कर रहे हैं इस केस में, क्यों नेक्स्ट प्लेस कौन सा हुआ फोर्थ, दिस इज द 1 2 3, नेक्स्ट टाइम का इंसर्ट करना फोर्थ प्लेस पर, इसलिए फिर से 10 से मल्टीप्लाई होने के जस्ट बाद अगेन फिर से अगर सेम लॉजिक एग्जीक्यूट कर दें तो रिमाइंडर क्या आएगा इसके इसमें डी वैल्यू क्या है नंबर क्या है 1, 1 को 2 से डिवाइड करने पर अगेन रिमाइंडर क्या आएगा 1, और रिमाइंडर आसान किस में हो रहा है रिजल्ट आर में, तो आर का नेक्स्ट टाइम वैल्यू क्या आएगा 1, तो इसका मतलब नेक्स्ट टाइम फोर्थ प्लेस पर इंसर्टेड रिमाइंडर वैल्यू क्या है 1। नेक्स्ट वन डी का वैल्यू क्या है 1, 1 डिवाइडेड बाई 10, 1 को 10 से सॉरी इस केस में मिस्टेक किया 1 एवरी टाइम किससे डिवाइड करना था 2 से, इस प्लेस पर परफेक्टली मैनेज किया और टाइपिंग मिस्टेक इस प्लेस पर, मीन्स डिवीजन किससे हुआ 2 से, करंट वैल्यू क्या 1 मीन्स फर्स्ट टाइम 13 किससे डिवाइड हुआ था 2 से, नेक्स्ट टाइम डिवीजन क्या था 6, 6 को 2 से डिवाइड करने पर डिवीजन क्या है 3, 3 को 2 से डिवाइड करने पर अगेन डिवीजन क्या आएगा 1, और 1 को अब अगेन नेक्स्ट टाइम 2 से डिवाइड करेंगे 1 को 2 से डिवाइड करने पर डिवीजन क्या आएगा 0, देयरफॉर डी बिकम्स 0। नेक्स्ट वन बी इक्वल्स टू बी प्लस सेम लॉजिक्स अगेन अप्लाई करके टेस्ट करेंगे, नाउ बी इक्वल्स टू बी प्लस बी का करंट वैल्यू क्या फाइंड हो रहा 101, मीन्स न्यू डिजिट इंसर्ट किस प्लेस पर कराना दैट प्लेस 1, देन इस केस में क्या है 1,
मीन्स रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है वन, वन इज अ इंसर्टेड, ये वन किस प्लेस पर इंसर्ट करना दैट प्लेस, इसलिए इस केस में मल्टीप्लीकेशन किससे होता है पी से, पी वैल्यू क्या करेंटली 1000, 1000 होने पर इसका जब मल्टीप्लीकेशन आएगा तो मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा 101 प्लस 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लीकेशन क्या है 1000, यानी नंबर जब ऐड हुआ तो नंबर ऐड होने पर क्या आएगा 1000 प्लस 101 मींस अल्टीमेटली जब एडिशन पर होंगे 1 ऑटोमेटिकली किस प्लेस पर आएगा दैट प्लेस मींस 1011, दिस द बाइनरी नंबर ऑफ गिवन, देन नेक्स्ट टाइम बाइनरी नंबर क्या आसान हो जाएगा 1101, आफ्टर दैट प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई होने पर 10000 सॉरी, नेक्स्ट टाइम अब ऑपरेशन आगे परफॉर्म करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि डी वैल्यू ऑलरेडी क्या हो चुका है जीरो, इसलिए पर्टिकुलर लॉजिक कब तक एग्जीक्यूट व्हाइल डी इज नॉट बिकम्स जीरो, डी नॉट इक्वल्स टू जीरो, इस केस में प्रोग्राम राइट डाउन कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, इस केस में वैल्यू काफी लेंथी जाने के चांस है जस्ट गिवन दैट, नेक्स्ट टाइम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा 1 lakhs सेम एज 1 crore लाइक दैट, इस टाइप से अमाउंट मीन्स वेरिएबल का डेटा टाइप क्या यूज करना चाहिए समथिंग लॉन्ग वेरिएबल्स void, void main, वेरिएबल डिक्लेरेशन इंटीजर और नॉट इंटीजर, वी कैन टेक इट एज अ लॉन्ग, मीन्स लॉन्ग किस टाइप के वेरिएबल्स को लेने की जरूरत है ओनली डी और पी एंड बी, लेकिन आर को इस केस में लॉन्ग भी लेना पॉसिबल और इंटीजर भी लेना पॉसिबल, सभी ऑल वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहा है लॉन्ग टाइप ऑफ वेरिएबल्स, लॉन्ग और वी कैन से लॉन्ग इंट, डी इज अ नंबर, डी क्या डेसिमल नंबर, बी इज अ बाइनरी नंबर इनिशियल वैल्यू इज जीरो, पी इज अ प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू इनिशियली क्या रहेगा वन, रिमाइंडर देयर इज नो इनिशियल वैल्यू, नेक्स्ट टाइम रीडिंग इनपुट्स, इनपुट्स के केस में रीड डाउन क्या करना है पोर्ट्स एंटर डेसिमल नंबर, स्कैन एफ के केस में लॉन्ग डबल टाइप का वैल्यू रीड कर रहे हैं इसलिए यूज क्या करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर है परसेंट एल डी एम परसेंट ऑफ डी, डी इज एक्चुअल नंबर्स, नेक्स्ट टाइम जस्ट ऑपरेशंस किसके लिए अप्लाई हो रहे हैं दैट वेरिएबल्स दैट ऑपरेशंस प्लस इस केस में ये लूप कब तक एग्जीक्यूट करना जब तक गिवन नंबर जीरो नहीं हो जाता, मीन्स कई सारे पॉसिबल केस होंगे व्हाइल डी ग्रेटर देन जीरो और डी नॉट इक्वल्स टू जीरो और सिंपली डी सफिशियंट, इसलिए मैं सप्लाई क्या कर रहा हूँ इस केस में सिंपली डी, इन लॉजिक्स क्या है सेम, आर मीन्स रिमाइंडर, सबसे पहले रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे डेसिमल नंबर मॉड्यूलो बाय 2 देन डिवीजन इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाय 10, नेक्स्ट टाइम कैलकुलेटिंग बाइनरी वैल्यू बी इक्वल्स टू बी प्लस रिमाइंडर मल्टीप्लाई बाय प्लेस वैल्यू, नेक्स्ट टाइम प्लेस वैल्यू में एवरी टाइम चेंजेस कितने से कराएंगे मल्टीप्लाई बाय 10, रीजन में आपको ऑलरेडी शो कर चुका हूँ इसके इसमें, फाइनली जब कंट्रोल ब्लॉक से बाहर आएगा तो डिस्प्ले क्या करा लेंगे ओनली बाइनरी वैल्यू, प्रिंट एफ वी वांट टू डिस्प्लेइंग इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर भी मैंने लॉन्ग डबल टाइप्स के वेरिएबल में स्टोर कराया है इसलिए यूज क्या करेंगे परसेंट एल डी, परसेंट एल डी दिस वन इज एल देन डिस्प्ले वैल्यू ऑफ बी, अगर आपको इस केस में ओरिजिनल नंबर डिस्प्ले कराना है देन ओरिजिनल नंबर डिस्प्ले कराने के लिए नंबर ऑलरेडी जीरो हो चुका है इसलिए आप एक्स्ट्रा वैल्यू टेम्परेरी वैल्यू यूज कर सकते हो नंबर यूज कर सकते हो, नंबर नंबर रीड कराने के जस्ट बाद आसान किस में करा लेंगे डी आसान किस में कराएं इनसाइड नंबर, नेक्स्ट आप चाहते हो अगर आप डेसिमल नंबर भी डिस्प्ले कराना चाहते हो डिस्प्ले क्या कराओ इस केस में वैल्यू ऑफ डेसिमल, प्रिंट एफ ओरिजिनल नंबर इज और डेसिमल एज अगेन परसेंट एल डी वैल्यू ऑफ नंबर, मीन्स गिवन लॉजिक्स के थ्रू किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना पॉसिबल है।